क्वेश्चन नंबर 6 है, 1/3x + y = 10/3 एंड 2x + 1/4y = 11/4। ओके, तो अब ये कुछ हमें पजल सा दिया हुआ है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पहले सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं इक्वेशंस को, 1/3x + y = 10/3। हमको सबसे पहले तो ये टर्म्स और ये टर्म्स को हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको सिंपली करना क्या होगा कि थ्रू आउट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3/3 ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये इक्वेशंस को हमें थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन, इसमें 3 × 1/3x ओके + 3 × y = 3 × 10/3। मतलब हमको यहाँ सारे के सारे टर्म्स में जो है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ अब हमें लेट्स सी, यहाँ पे 3/3 ये कैंसिल हो गया, 3/3 ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे जस्ट x बचा। ओके, x यहाँ पे +3 × y 3y और ये कितना बचा, ये 10। तो लेट हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन जो है उसको हम सही से लिखते हैं, 2x + 1/4y = 11/4। अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो अपॉन में डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है 4, उसको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा सो दैट कि डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म ना रह जाए। तो हम इसके लिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 × (2x) प्लस यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई (1/4y), अगेन यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/4। अब जो टर्म्स है, जैसे कि जो कैंसिल हो सकता है ये और ये 4 से कैंसिल हुआ, बाकी जो बचा हम उसको लिखेंगे यहाँ पे 4 × 2x क्या हो जाएगा, 8x प्लस यहाँ पे 1 × y = 11। हम इक्वेशन नंबर इसको 2 कहते हैं। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सही से लिखते हैं, तो ये हो गया इक्वेशन x + 3y = 10, इक्वेशन 1 है, सॉरी 1 है, एंड ये 8x + y = 11, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगेन हमको ढूंढना क्या है, सेम पेयर और उसके बाद फिर अपोजिट साइन एंड सेम साइन, ये ढूंढना है। तो पहले तो सेम पेयर मिलने चाहिए, तो यहाँ पे सेम पेयर्स नहीं है, यहाँ पे भी सेम पेयर्स नहीं है, तो जब सेम पेयर नहीं होता है तो हमको बनाना पड़ता है, राइट। तो हम या तो इसमें इक्वेशन नंबर 1 में हम 8 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे 8x और यहाँ पे 8x दोनों सेम पेयर बन जाएगा, या फिर इक्वेशन नंबर 2 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3y और यहाँ पे भी 3y सेम पेयर बन जाएगा। ओके, तो हम इजी जो रहेगा उसको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, इक्वेशन मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। तो हम जब इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू इक्वेशन बनेगा, दैट इज न्यू इक्वेशन है वो बनेगा 8 × 3 = 24x + 3 × y क्या हो जाएगा, 3y = 3 × 11 क्या हो जाएगा, 33। हम इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं, ओके, क्योंकि हमने इक्वेशन 2 को मॉडिफाई किया है तो इक्वेशन 3 हुआ। ओके, तो अब हमको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 3 को इसको लेके चलना है। अभी हमको इसके अंदर देखते हैं कि हमको क्या सेम पेयर्स मिला कि नहीं मिला। ओके, तो ये 24x है, यहाँ पे x है, यहाँ इधर मूव करते हैं, यहाँ पे 3y और ये क्या है, 3y है। तो ये सेम पेयर्स मिल गए हमें, तो जैसे भी हमें सेम पेयर मिल जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको देखते हैं कि साइन कैसा है, अगर साइन भी सेम होता है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लेट्स सी, हम इक्वेशन 3
में से सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन वन को। ओके तो इक्वेशन थ्री को सबसे पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन थ्री यहाँ पे है 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33, और इक्वेशन वन है यहाँ पे x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें साइन चेंज होता है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ओके तो ये 24x माइनस x कितना हो जाएगा, 23x। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव 3x 3y, नेगेटिव 3y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 33 माइनस 10 हो जाएगा 20। ओके नाउ जो हमें जो बचा उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 23x में से x हमारा वेरिएबल है तो इस सेट रहेगा, और ये 23 डिवाइड बाय यहाँ पे 23 अपोजिट से जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमें कितना आंसर मिलेगा, 1। सो द x इज इक्वल टू 1। हमको अब करना क्या है, x की वैल्यू मिल गई तो इक्वेशन 1, 2, 3 में से किसी में भी इस इक्वेशन को पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगा। तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ओके तो हम 1 में जैसे इसको पुट करेंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10 है। यहाँ पे 3y इस साइड रहेगा और ये 1 को अपोजिट साइड भेजेंगे तो ये 10 माइनस 1, तो द 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 1 कितना होता है, 9। अब यहाँ पे वेरिएबल लेफ्ट साइड रहेगा एंड ये अपोजिट साइड जाएगा तो 9 डिवाइड बाय 3, और 3 3 9, तो y की वैल्यू कितनी आई, y इज इक्वल टू 3। सो अगेन फिर से लिख लेते हैं, x की वैल्यू 1 एंड y इज इक्वल टू 3। सो द सोल्यूशन इज देयरफॉर सोल्यूशन इज कॉमा y इज इक्वल टू 1 कॉमा क्वेश्चन नंबर 7 है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, एंड द सेकेंड इक्वेशन 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो सिंपल स्टेप हम इसे पहले लिख लेते हैं, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड इक्वेशन इज 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, इक्वेशन हमारा 2 हो गया। अब जब भी हमें इस टाइप के इक्वेशन मिलते हैं जिसके अंदर दोनों सेम नहीं होते, जैसे कि ये 99 है तो यहाँ पे 99 है, और ये 101 है और ये 101, मतलब ये इससे सेम है और ये इसके सेम है, तो हम इस टाइप की इक्वेशन को एक बार ऐड करते हैं एंड एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लेट सबसे पहले हम इसको ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ओके 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, प्लस करेंगे इसको ऐड करेंगे विद सेकेंड इक्वेशन 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। इसको हम ऐड करेंगे, सिंपली वर्टिकली ऐड करेंगे, 99 प्लस 101 हो जाएगा 209x प्लस यहाँ पे भी ऐड करेंगे तो 200। यहाँ पे 499 प्लस 501 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1000। नाउ सेम हम इसको आगे इसको अगर फर्दर सॉल्व करते तो हमें क्या करना है, थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं 200 से। अगर हम सबको डिवाइड कर देते हैं 200 से, जैसे कि 200 डिवाइड बाय 200, यहाँ पे भी हमें डिवाइड करना है, सेम वे में 200y डिवाइड करेंगे 200 से, एंड 1000 को भी डिवाइड करना है 100 से। ओके यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचा y, यहाँ पे अरे कैंसिलेशन के बाद बचा हमें 5। तो हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिला, ये x प्लस y इज इक्वल टू
भी एक इक्वेशन के टर्म में, तो हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1, 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ओके, अब हम इसको एक बार ऐड कर दिए है, तो अब हमें क्या करना है, इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब हमको इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो नंबर 2 जो है 101 एक्स प्लस 99 वाई इज इक्वल टू 501। इक्वेशन जो 1 है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 499। सिंपल रूल जब जो अब तक हम अप्लाई करता है कि अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम सारे के सारे साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये भी साइन चेंज होगा, प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। नाउ 101 माइनस 99 करेंगे तो माइनस 2x बचता है, पॉजिटिव यहाँ पे माइनस 2y, यहाँ पे 501 माइनस 499 बचता है 2। ओके, तो सिंपली इक्वेशन को अगर हम आगे बढ़ाते तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 2 कर दो तो 2x डिवाइड बाई 2, सेम वे में यहाँ पे 2y डिवाइड बाई 2 एंड इक्वल 2 डिवाइड बाई 2। हमने क्या किया, डिवाइड बाई 2 थ्रू आउट, और 2 कैंसिल हो गया, बचा x माइनस, यहाँ पे भी 2 कैंसिल, बचा y, यहाँ पे 2 कैंसिल, बचा 1। तो नेक्स्ट इक्वेशन जो हमें मिला बार इसको सब्ट्रैक्ट करने पे, वो मिला हमें x माइनस y इज इक्वल टू 1। लेट्स सी, हम इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। ओके, अब हम एक बार ऐड कर चुके हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट भी कर चुके हैं, तो उन दोनों बार हमें क्या मिला है, एक नया इक्वेशन मिला है। तो अब हम इस दो इक्वेशन को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो इक्वेशन 3 ऐड करेंगे इक्वेशन 4 के साथ, सिंपली एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको ऐड कर देंगे विथ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ओके, तो हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, हमें सेम पेयर्स विथ अपोजिट साइन मिल जाता है, तो हम उसे कैंसिल करते हैं। नाउ 5 प्लस 1 इज 6, इसको अगर फर्दर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक वेरिएबल मिलता है जो कि क्या है, x, राइट हैंड साइड में हमें 6 डिवाइड बाय x वैल्यू हो जाएगी 6/3, x इज इक्वल टू 3, एनी ऑफ दीज इक्वेशन, हम इक्वेशन 1, 2, 3 हम किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, सो दैट ये क्या होगा, काफ़ी हमें इजी रहेगा, इक्वेशन 3 या फिर 4 में कर दो। नाउ x की जगह पे 3 रखें प्लस y एज इट इज एंड 5 भी एज इट इज, y की वैल्यू कितना हो जाएगा 5, एंड ये 3 इस साइड गया तो माइनस इज इक्वल टू माइनस 3 इज 2, तो y की वैल्यू कितनी आई, हमें x की वैल्यू कितनी मिली 3, एंड y की वैल्यू 2 मिली। सोल्यूशन इज ऑर्डर पेयर, व्हाट इज ऑर्डर पेयर, यहाँ पे x कॉमा वाई जो कि इक्वल है 3, 2 के। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन गिवन। इसी तरीके ये सिंपल था, भले ही इसमें कुछ डिजिट बड़े थे जैसे कि 499, 501, बट इसको अगर सॉल्व करते ये काफ़ी इजी होता है। सेम वे में आप क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व नहीं कर रहा हो, आप उसको होमवर्क में करके एंड कमेंट बॉक्स में आप उसे सेंड करो, सो दैट आई कैन वेरीफाई एंड आई कैन correct you if you are wrong।